नमस्कार, जय श्री राम। काहन पावक जारी सर, काहन पावक जारी सर, काना सुनते समय। आज तुलसीदास जी के दोहे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह दोहा पता है जब केकई माता दशरथ जी से दो वचन लेकर और राम जी को वनवास भेजने की तैयारी करती है, तभी तुलसीदास जी ने उपमा लिखी है कि एक स्त्री क्या नहीं कर सकती, यानी काहन पावक जारू सर, मतलब अग्नि किसको नहीं जला सकती, ऐसा कौन है संसार में जिसको अग्नि जला नहीं सकती। काना समुद्र समाई, और समुद्र के अंदर अगर कोई भी चीज फेंकने में क्या नहीं समा जाएगा, केवल राम कृपा से जो नलनील ने पत्थर फेंके वो बस नहीं समाए, बाकी ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो समुद्र में नहीं समा सकता। काना करे अगला प्रबल यही जग काल में खाई, यानी एक अगला स्त्री क्या नहीं कर सकती, और ऐसा जगत में कौन है जिसको काल खाता नहीं है, यानी जिसकी मृत्यु होती नहीं है। तो तीनों उपमाएं उन्होंने स्त्री के बारे में दी है कि अग्नि इसको नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, और इस जगत संसार में काल किसको नहीं खाता, यानी मृत्यु किसकी नहीं होती, ऐसे ही स्त्री क्या नहीं कर सकती। ये बहुत ही शिक्षाप्रद दोहा है, और इसको तर्क कुतर्क से नहीं कि कई माता पे हम लोग दोष लगाने लगे, क्योंकि वो तो राम जी का युग था, जो भी हुआ है सब राम की इच्छा से ही हुआ है। आज भी जो कुछ होता है वो राम की ही इच्छा से होता है, लेकिन अपने जीवन में ये शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और इसको मन में जरूर रखना चाहिए, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है।